सब आ गया, उनको नंबर बता दे, सबको भेज दे। यहाँ से कितना किलोमीटर है गुफा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है। हम अपना गाड़ी ले सकते हैं कि जिप्सी ले जाना पड़ेगा? जिप्सी लेना पड़ेगा, प्राइवेट आपकी गाड़ी यहीं खड़े रहेगा। हाँ, प्राइवेट गाड़ी बंद रहेगी। कब से? 2017 से। ऐसा क्यों, मतलब हम अपना गाड़ी नहीं ले जा सकते? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है, प्राइवेट गाड़ी को डीजल वाला घुस नहीं मिलते, पॉल्यूशन होगा बोल के। चार्ज कितना है जिप्सी का? 1500। कितना जिप्सी जाएगा? 23 जिप्सी है। 23 जिप्सी है। हम लोग जैसे कि 15-20 लोग है, तो 15-20 लोग है तो आपको 3 गाड़ी लेना होगा। 3 गाड़ी, एक जिप्सी में कितने लोग आएंगे? 7 लोग। 5 भी है। सब हमारा ड्राइवर का कि वो जिप्सी का ही ड्राइवर रहेगा? जिप्सी का ड्राइवर रहेगा। कितने देर में घूम के आना है हमको? मतलब 2 से 3 घंटा भी लग सकता है, देखने के ऊपर है, निकलने के ऊपर। 2 से 3 घंटा। अच्छा, कितना बजे तक खुले रहता है गुफा? 8 बजे से 3:30 तक यहाँ काउंटर कटना चालू है। गाइड हमको यहीं पर मिलेगा कि वहीं पर मिलेगा? सर गांव में मिलेगा। वही गाइड को अलग चार्ज देना पड़ेगा? नहीं, सब ये जो टैक्सी वाला कटवा रहे हैं ना, तो टैक्सी वाला में ही कट गया शुल्क, राष्ट्रीय उद्यान का, जिप्सी का, सब गाइड का, पूरा सब एक साथ। वो अलग अलग नहीं कि यहाँ टैक्सी का अलग दो, यहाँ टैक्सी का अलग दो, वहाँ गाइड का दो, वो नहीं, वो एक साथ यहाँ कट गया टोटल। अपने को मतलब एक गाइड मिलेगा, एक गाइड लाइट के साथ। 30 गाइड है। कितना? 30 गाइड। 30 गाइड। कितना बजे तक खुले रहेगा गुफा? 5-6 बजे लोग जितना पर्यटक जा रहे हैं उनको पूरा दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। 5 बजे के बाद मतलब एंट्री बंद है? 3:30 तक एंट्री बंद है। 3:30 के बाद एंट्री नहीं होगा? नहीं, जो अभी तक आ रहे हैं उसी को जाएंगे 3:30 बजे बाद? नहीं। मॉर्निंग में कितना टाइम खुलता है? 8 बजे। सुबह आठ बजे। नहीं, थैंक यू जानकारी देने के लिए हमको। इसी जिप्सी में बैठ के हम लोग गुमसर गुफा देखने जाएंगे। 2 जिप्सी करवा रहे हैं हम। इस रास्ते से आए हैं, अब जिप्सी बुक हो गया है, अब इस रास्ते से जाएंगे अंदर में। ये हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं। चालू है ना, नंबर कट रहा है। अब हम सब जाएंगे करके। अब हम कुटुम्बसर गुफा के लिए निकल चुके हैं। मम्मा ये रे, मम्मा को देख ले, जीप पे मम्मा बैठे हुए, पापा भी है। हेलो, हमारा मम्मा से बातें कर, मामू खा रहे अंधा मोड़ बहुत है इस रोड में, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। खतरनाक टर्निंग है इस रोड पे। ये हमारे ड्राइवर साहब है। अभी नहीं निकलते ना, अभी खरगोश बंदर, देखो बंदर निकला, ये कुछ भी चीज इस बंदर लोग सामने नहीं खाना चाहिए ना, लोग झीक लेंगे नहीं तो। खतरनाक है यहाँ के बंदर लोग ना। वो आगे निकल गए। देखो भैया, बंदर लोग सामने कुछ निकाल के नहीं खाना, पीना भी मत, पी लेंगे लोग पूरा। आपका स्प्राइट अभी पी लो आप। मैं मम्मा की रोटी लेके जा रहा हूँ।
मेरे बैग पे ऐसे किया रोटी। यहाँ पर रास्ते में आपको बंदर ही बंदर नजर आएंगे, ये देखिए बिग मंकी, पूरे रास्ते भर नजर आएंगे मंकी आपको। यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर गुफा की ओर, कुटुम सर के जाने का यह रास्ता। अब हम मेन रोड छोड़ चुके हैं, यहाँ से अब कच्चा रास्ता शुरू होता है। इधर कुटुम सर नाम का गांव है बोल के इसलिए इस गुफा का नाम कुटुम सर पड़ा ना। उधर तीरथगढ़ नाम, तीरथगढ़ गांव है बोल के तीरथगढ़ वाटरफॉल है कि नहीं। यहाँ जैसे कोई शहर से आएगा बाइक वाइक लेके उसको जाने नहीं देंगे, ओनली ऑन सिर्फ गांव वाले लोग आना जाना कर सकते हैं बस। यहाँ जंगल में कुछ खुकार जानवर है कि सब ऐसे ही है? शाम को अभी नहीं, अभी क्या चहल पहल है बोल के रोड में थोड़ा है कि नहीं। बंदर ही दिखेंगे अभी हमको, सिर्फ बंदर ही दिखेंगे यार, कुछ नहीं है कि नहीं। वो भी बंदर के सामने कुछ चीज निकाल के नहीं खाना है, नहीं तो वो भी ले लेंगे उन लोग। पूरा एकदम घनघोर अंधेरा है, दिन में भी रात का अनुभव हो रहा है एकदम इस रोड पे। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा रोड शुरू हुआ है, बस यही पास तक इतने ही। अरे यार केंद्रीय हो गया ये, इसी को तो केंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर जंगल और घना होते जा रहा है, मजा लेते हुए जाएंगे जंगल का अपन। अपने को मेन रोड से कितना अंदर आ गए मतलब? तीन किलोमीटर मेन रोड से, ऐसा लग रहा है 10 किलोमीटर आ गए लग रहा है, इतना लंबा रास्ता लग रहा है। मैंने पहले काट दिया था, 3 किलोमीटर तो लग ही नहीं रहा, ये तो जंगल बोल पता नहीं चल रहा ना। बोला ना मैंने, ये फोटो आ गया, फोटो करके सही बोले आप, यहाँ पर टावर और कुछ नहीं मिल रहा मोबाइल का, जियो का भी नहीं, किसी कोई कंपनी का नहीं। अरे यार ये चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ चुकी है रोड पे, इसका आशियाना बिगड़ चुका है, देखिए गौर से। ये भी उड़ना चाह रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही है क्योंकि इसे चिपकाया गया है फेविकोल के मजबूत कोल से। अब हम कुटुम सर गुफा, अब हम कुटुम सर गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं से अब हमारा गुफा का रास्ता चालू हो चुका है। Nasıl
अब हम आ चुके हैं कांगेर घाटी वाटरफॉल में। ये है कांगेर घाटी वाटरफॉल, वहीं से उतर के आया हूं मैं नीचे। आपने अपना मास्क निकाल दिया, टॉवल बांधे थे, अब यहाँ क्या धूल नहीं उड़ेगा? उड़ेगा, उड़ेगा। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, निकल रही देने है कि नहीं? मजा आ गया लेकिन कांगेर घाटी वाटरफॉल में। अब गुफा की ओर जा रहे हैं। एक दिन में आप कम से कम कितना ट्रिप मार देते होगे? तीन मिनिमम ना। ये 15 है क्या? नहीं 35-15। कैमरा यूज नहीं करेंगे भैया, अंदर में कैमरा यूज नहीं करना है। कैमरा यूज करने के लिए यहाँ पे आपको चार्ज पटाना पड़ेगा 100 रुपया, ठीक है? यदि आप कैमरा पेनल्टी नहीं पटाओगे ना, जरूरत अभी कैमरा का शुल्क नहीं पटाओगे, गाइड आपको पेनल्टी साथ लेगा, ठीक है? गाइड बोल रहा है पेनल्टी लगेगा, मुझे इस कैमरा को यहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ मोबाइल से ही फोटो आएगा बोल रहा है, खाली कैमरा का यूज नहीं कर सकते। इस रोड में आके केसकाल घाटी का अनुभव हो रहा है। पूरा केसकाल घाटी जैसा मोड़ है पूरा। आपके तीरथगढ़ गांव में कोई मिला क्या कोरोना मरीज? नहीं मिला संदिग्ध कोई? कोई नहीं, कोई गांव से बाहर गया ही नहीं और कोई बाहर से अंदर आया ही नहीं गांव में, है कि नहीं? ये है पार्क, अंदर में नीलगाय भी है, वो देखिए गौर से, नीलगाय वो देखिए, नीलगाय नीलगाय। अब हम पहुंच चुके हैं तीरथगढ़ गुफा, नहीं यह है कुटुम्बसूर जाने का रास्ता। ये है मेन गेट अंदर जाने का कुटुम्बसूर गुफा। बहुत ही छोटा रास्ता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे बड़ी बहादुरी होगी। अरे कितना झुकना पड़ रहा है वहाँ पे, कोशिश तो करिए सर जाके एक बार, नहीं ठीक तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं,
कैंसल। आराम से सर, हड़बड़ी नहीं। झुकना पड़ेगा ज्यादा। आइए बताओ टाइट है। आइए कुछ नहीं, एक बार कोशिश तो करिए मैडम। ओए बड़ी ऐसी चीजें की हुई है मैंने। अरे यार मेरा ऑक्सीजन लेवल ऐसी कम था अभी। उठाने दो फिर, तभी कह रही हूं उठाने दो, वहां पैसे नहीं करो। अरे फुट गई। आ रहे हो तो थोड़ा दे दिया जाबे। मैं आ ही रहा। कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूं और कोई नहीं है। चलो जल्दी उतरो। आओ आओ डबल पकड़ो। आओ नहीं डबल को चलो अब अपने को जाने जा। घनघोर अंधेरा है गुफा में। यहाँ पर अंधी मछली भी पाई जाती है। यहीं पर अंधी मछली, अंधी मछली, ब्लाइंड फिश। तो पानी नहीं तो मछली कहाँ पे है? ना अंदर में है। यह है लाइन स्टोन। पानी पड़ते पड़ते बढ़ रहा है, ये हर साल बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे चलिए सर, मुंह फिसला रहा है इधर। एक और गुफा मिला है क्या अंदर में भैया? एक और गुफा मिला है क्या? चालू हुआ कि नहीं? हो यहाँ आपको ब्लाइंड फिश दिख सकता है सर, ब्लाइंड फिश। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, एक गलत कदम और आप फिसल के नीचे गिर सकते हैं, इसलिए ध्यान से चलना पड़ रहा है हमको। देखिए घनघोर अंधेरा है और एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ रहा है हमको। रेलिंग पकड़ पकड़ के जाने है। यहाँ अंधी मछली पाई जाती है लेकिन दिख नहीं रहा है, लाइट कम है बोल के। हमारे पास जो लाइट है उसका लाइट बहुत कम है। यहाँ नहीं है अंधी मछली। हो दे वो देखो, हमको दिखी एक अंधी मछली दिखी हमें। ये शिवलिंग है अंदर का शिवलिंग।
और कौन बचा है सर? पूरा पसीना पसीना हो गए नीरज सर आप तो। नीरज मैं धीरज हूँ। धीरज सर? नीरज सर चले गए। आप भी थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए, पहुंच गए हम। पूरा भीग गए आप तो। और कोई बचा है? नहीं। अब हम वापस जाते हुए वहां से आए थे, अब जा रहे हैं। अब हम समाप्त हुआ हमारा कुटुम्ब सर केव का सफर।